दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हिंदुस्तान इस बार नया विश्व चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप के मंच पर नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच आखिरी ओवर तक एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे नीदरलैंड ने घमंडी पाकिस्तान को पहले घातक गेंदबाजी से धज्जियां उड़ाई तो फिर विस्फोटक बल्लेबाजी से उनकी हालत बद से बदतर कर दी। क्या कुछ हुआ आखिरी ओवर तक खेले गए इस महामुकाबले में जिसने क्रिकेट के 120 सालों के इतिहास को पलट कर रख दिया। अंत में किसने मारी बाजी के पाकिस्तान बच पाया है अपनी लाज, इस मुकाबले को रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा रोमांचक इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच शुरू हो गया है। आज पाकिस्तान हैदराबाद के मैदान पर नीदरलैंड से दो दो हाथ करने के इरादे से मैदान में उतरी थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीदरलैंड की टीम अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा देगी। जी हां, आपको बता दें, सिक्का नीदरलैंड के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उनकी टीम के लिए फखर जमान के साथ इमाम उल हक की तूफानी जोड़ी मैदान में गदर मचाने के लिए उतरी। इन दोनों का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर था, लेकिन चौथा ही ओवर लेकर आए नीदरलैंड के सबसे घातक गेंदबाज लॉगन वन वीक ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने फखर जमान को कॉटन बोल्ड कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जिनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि ये खिलाड़ी विराट कोहली से तुलना खुद की करता है, लेकिन कारनामा तो उनका बाबर आजम जैसा ही है। यहां तक कि नीदरलैंड के सामने भी वो दो ओवर तक नहीं टिक पाए। मैदान में आते ही उन्होंने इमाम उल हक के साथ मिलकर कछुए की रफ्तार से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिस कारण पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और बढ़ते दबाव के बीच नौवे ओवर में बाबर आजम एगरमैन की फिरकी का शिकार हो गए और 18 गेंद खेलकर केवल 5 रन बनाकर अपनी टीम को मझधार में छोड़कर वापस चले गए। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। तो वहीं बाबर के तुरंत आउट होने के बाद केवल 4 रनों के भीतर भी बान मिकरन ने इमाम उल हक को भी चलता कर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाक ने केवल 38 रनों पर अपनी टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान के साथ साउद शकील के कंधों पर आ चुकी थी, जिन्होंने संभल कर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने धीरे धीरे अपनी टीम को संभाल कर पहले 50 तो फिर 100 रनों के पार पहुंचाया। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी पनप चुकी थी, जहां केवल 37 गेंद साउथ शकील ने T20 की रफ्तार से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। तो वहीं मोहम्मद रिजवान भी सर पर कफन बांधकर उतरे थे। उन्होंने भी नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बड़ी बेरहमी से इन दोनों ने नीदरलैंड की पिटाई करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे किए, जहां मोहम्मद रिजवान को ये उपलब्धि पूरी करने के लिए 58 गेंदों का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 27 ओवरों में ही 155 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इन दोनों ने तो अब काउंटर अटैक की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन आर्यन दत्त ने अपनी टीम की वापसी करवाई। पारी का 29वां ओवर लेकर आए इस गेंदबाज ने साउद शकील को अपने जाल में फंसाया और मुकाबले में अपनी टीम नीदरलैंड की वापसी का ऐलान भी किया, जहां साउद शकील T20 की रफ्तार से 52 गेंद पर 9 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 68 रन बनाकर वापस लौट गए और मुकाबला एक बार फिर बराबरी पर आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान के लिए अब इफ्तिखार अहमद मैदान में तूफान लाने के लिए उतर चुके थे। मोहम्मद रिजवान तो पहले से गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। 29 ओवर में पाकिस्तान ने 160 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद खौफ का ऐसा मंजर आया कि पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहले साउथ शकील 52 गेंद पर 9 चौके और छक्के की बदौलत 68 रन बनाकर वापस लौटे, तो उनके थोड़ी देर बाद ही बाजडी लीडर ने मोहम्मद रिजवान को भी क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान की आधी पारी को समेट दिया था। रिजवान भी 75 गेंद पर 9 चौके की बदौलत केवल 68 रन बना पाए। यहां से तो हमें केवल पाकिस्तान की बर्बादी ही देखने को मिली। और जहां एक तरफ पाकिस्तान 350 रन बनाने का सपना लेकर उतरी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद से लेकर मोहम्मद नवाज, शादाब खान, हर किसी को नीदरलैंड के घातक गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंद से तहस नहस करके रख दिया और गिरते पड़ते पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 49 ओवरों में ही 286 रनों पर अपने घुटने टेक गई। हालांकि अंत में मोहम्मद नवाज के 39 और शादाब खान के 32 रनों की बदौलत पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 286 रन बना पाई, लेकिन नीदरलैंड ने तो आज सच में कमाल ही कर दिया, जहां बास लीडर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। जवाब में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम अपनी बेहतरीन शुरुआत की पारी की शुरुआत करने में विक्रमजीत सिंह के साथ मैदान पर मैक्स ओडॉन उतारे।
मैक्स को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन विक्रम बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मैक्स ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल सके और छठवें ओवर में हसन अली की गेंद पर शाहीन अफरीदी को कैच दे बैठे और नीदरलैंड की टीम को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विक्रमजीत का साथ देने कॉलिन एक्रमन बल्लेबाजी करने उतरे। इन्होंने विक्रम के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 50 रनों तक पहुंचाया, लेकिन तभी विकेट की तलाश में कप्तान बाबर आजम ने गेंद इफ्तिखार अहमद को थमा दी और उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर कॉलिन एकरमैन को क्लीन बोल्ड कर दूसरा झटका दे दिया। इसके बाद विक्रमजीत का साथ देने मैदान पर बसदे लीडे आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम की पारी को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाया। एक के बाद एक अच्छे शॉट लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचाया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 22.1 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं विक्रमजीत सिंह 62 गेंद पर 46 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं बसदे लीडे 38 गेंद पर 35 रन बनाकर खेल रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी विकेट की तलाश में बाबर आजम ने गेंद शादाब खान को थमा दी और उन्होंने अपने खतरनाक गेंद से विक्रमजीत सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और वो टीम के लिए 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नीदरलैंड को सबसे बड़ा झटका लग गया और नीदरलैंड का स्कोर 24 ओवर में 120 रनों पर 3 विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर तेज बल्लेबाजी करने आ गए बस देलीडे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और वो भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए और अपनी टीम के लिए तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इस मुकाबले को देखकर यही लग रहा था कि पाकिस्तान टीम दोनों टीमों के बीच जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो सकता है इस मैच में जरूर बाजी मार ले। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।